गढ़ मुक्तेश्वर के पुराने दिल्ली रोड पर फ्लाईओवर के पास ऑटो और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ऑटो सवार दो महिलाएं समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर असजद चौधरी गढ़ मुक्तेश्वर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असजद, गढ़ मुक्तेश्वर में आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सबसे बड़ी कमी तो परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग की है कि इन पर शिकंजा कस नहीं पाते। शिकंजा न कसने का कारण हर तीसरे दिन एक ऑटो द्वारा घटना होती रहती है। ये कोई पहली घटना नहीं, ये तीसरी या चौथी घटना है लगातार। तो पुलिस प्रशासन यहाँ परिवहन विभाग का अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अर्शद, मरने वाले लोग कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ के बताए जा रहे हैं ये लोग? दो की पुष्टि अभी तक हो पाई है। एक कविता है जो रहने वाली है थाना, क्या कहे, हाजीपुर की रहने वाली है, थाना सिंभौली क्षेत्र में हाजीपुर गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। दूसरी मृतक का जो है आश्विन, जो कि रतुपुरा थाना सिंभौली की रहने वाली है। और तीसरे अज्ञात का भी जानकारी नहीं हो पाई है कि वो कहाँ का रहने वाला है। अर्शद, अगर आपने वही अधिकारियों से बात की इस पूरी घटना को लेकर, अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं? अभी अधिकारी कोई किसी तरह की कोई भी बात बोलने को तैयार नहीं है, इसे एक हादसा बता रहे हैं। शुक्रिया अर्शद, जानकारी साझा करने।